नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिरसा नगर में महिला की हत्या से सनसनी। निर्मल भारत अभियान के मुद्दे पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कोल्हान स्तरीय कार्यशाला शुरू। और घाघरी कन्या उच्च विद्यालय की मांग को लेकर आधा दर्जन लोग बैठे अनशन पर। अब खबरें विस्तार से। बिरसा नगर जोन नंबर 3 की रहने वाली सुनीता सांडिल नामक 35 वर्षीय महिला की लाश आज स्थानीय गुड़िया पार्क में पाई गई। संभवतः उसकी हत्या की गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मृतका की पुत्री ने बताया कि उसकी मां कल शाम कन्हैया लाल नामक व्यक्ति के साथ साक्षी संजय मार्केट जाने के लिए निकली तो फिर रात में घर वापस नहीं लौटी। उसकी लाश आज गुड़िया पार्क में मिली। वो कहां कराने वाला? 6 नंबर पता नहीं है, ज्ञानदीप स्कूल के पास अगल बगल ही रहता है। उसी के साथ आपकी मम्मी रहती थी? जी। अच्छा, रहती क्या सम्मान क्या था? जी नहीं, शादी नहीं की थी, बस उसके साथ रहती थी। अच्छा, वो लड़का क्या करता है? लड़का पता नहीं, चूना उना में काम करता था। वो लड़का भी शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा नहीं था लड़का। कितना साल से था साथ में? 3-5-6 साल हो गया साथ रह के। तो कल लेके गया वही? वो बोले कि मार्केट से आ रहे, बोलते संडे मार्केट से कुछ सामान लेना है और गया है। पता नहीं, मम्मी जाने नहीं खोज रही थी, जबरदस्ती लेकर के गया उसको टान टून के। तो कभी झगड़ा हुआ ऐसा हो रहा था? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, बस वो बहुत मारता था मम्मी को पहले। किस बात के लिए? पता नहीं, वो लोग दोनों अलग में रहते थे, हम नानी के साथ रहते थे, वो लोग दोनों में ही झगड़ा होता था, पता नहीं किस लिए। तो आपके जो ओरिजिनल पिताजी वो कहाँ? वो डेट कर गए। कितने साल पहले? हम छोटे थे तब, उसके बाद ही डेट हो गया। 1 साल भी नहीं हुआ। क्या नाम था पिताजी का? मोतीलाल सांडी। वहीं थाना प्रभारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मृतका की पहचान सुनीता शांडिल के रूप में हुई है, जो बिरसा नगर 3 की रहने वाली बताई जाती है। किसी व्यक्ति ने घटना किया कि गुड़िया मैदान में स्कूल के नीचे एक औरत का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग आए, उस समय जो लोग यहाँ पर जुटे हुए थे उन लोग पहचान नहीं कर सके। कुछ देर के बाद काफ़ी लोग जुटे तो पहचान हुई, और पहचान होने के बाद खबर किया गया तो मृतका की बच्ची आई, उसने पहचान की गया उसकी माँ का शव। इसका नाम सुनीता सांडिल है, पति का नाम स्वर्गीय मोतीलाल सांडिल है, जो नंबर 3 की रहने वाली हैं। इनकी पुत्री द्वारा अभी बताया गया है कि विधवा होने के कुछ दिन बाद से जो है एक व्यक्ति कन्हैया के साथ पति पत्नी के रूप में रह रही थी, और कल रात में वही बुला कर ले गया। किस चीज़ से? हमने अभी प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शव को दम गला घोंट कर किसी माध्यम से, रस्सी या दुपट्टा वगैरह के माध्यम से हत्या किया गया है, और हत्या करने के उपरांत शव को यहाँ ला कर रखा गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से आज जी टाउन क्लब में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें निर्मल भारत अभियान को कोल्हान की धरती पर सफलतापूर्वक उतरने पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। कार्यपालक अभियंता रघुनंदन प्रसाद शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निर्मल भारत अभियान को किस तरह से सफल बनाया जाए, इसी को लेकर सूचना शिक्षा एवं संवाद रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है, जिसमें पूरे कोल्हान क्षेत्र के विभागीय पदाधिकारी कर्मचारी एनजीओ के प्रतिनिधि भाग लिए हैं। 2 दिवसीय आवासीय कार्यशाला है, ये क्षेत्रीय कोल्हान स्तर पर आयोजित किया गया है। इसमें 3 जिला के प्रतिभागी हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। इसमें निर्मल भारत अभियान के तहत जो हम लोगों का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण किया जा सकता है, उस पर ही मंथन किया जाएगा। विशेष तौर पर यह कार्यशाला केंद्रित रहेगी कि जो IEC होता है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना शिक्षा एवं संवाद, सूचना शिक्षा एवं संवाद की क्या रणनीति होगी कोल्हान उपमंडल के लिए, उसे ही यहाँ पर लोगों प्रतिभागियों के अनुभव के आधार पर सूत्रित किया जाएगा। घाघरी मौजा में कन्या उच्च विद्यालय की मांग को लेकर वहां के करीब आधा दर्जन लोग आज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे। एक आंदोलनकारी ने कहा कि कन्या उच्च विद्यालय नहीं होने के चलते घाघरी क्षेत्र की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। जिला प्रशासन को जनहित में घाघरी मौजा में कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना के लिए ठोस पहल करनी चाहिए। बरसों पुरानी हमारी मांग जो है कन्या उच्च विद्यालय घाघरी मौजा क्षेत्र
मांग को लेकर हम लोग यहाँ आज अमरण अनशन में बैठे हैं। इसको लेकर हम लोगों ने कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को हम लोग लिखित भी दिए और प्रखंड कार्यालय में हम लोग धरना भी दिए और आश्वासन के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। इसीलिए हम लोग आज अनिश्चितकालीन अमरण अनशन में बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पर विचार नहीं होता है हम लोग यहाँ पर कांग्रेस नेत्री उषा सिंह ने साक्षी की तर्ज पर सभी थाना में महिला कोषांग के गठन की मांग की है। इस सिलसिले में वह आज कुछ महिलाओं के साथ डीसी से मिलने आई थी। उषा सिंह ने कहा कि थानों में महिला कोषांग नहीं होने के कारण महिलाओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में परेशानी होती है। महिलाएं अपनी समस्या खुलकर नहीं रख पाती, ठीक से लिखित रूप में नहीं लिया जाता है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं। मैं चाहती हूं और मैं कई बार गई हूं, रात को 12 बजे भी गई हैं, आप लोग सारे मीडिया भी गए हैं और देखे हैं अपनी आंखों से कि कितने बार महिलाएं तराह के रह जाती हैं, उन्हें कहा जाता है कि लिख के दीजिए। जब पढ़ी लिखी है नहीं तो कैसे लिख के देती हैं। वहां में एक ऐसा भी पदाधिकारी होना चाहिए जो कि लिख के, कोई भी सोशल ही वर्कर हो जो कि लिख के दे समस्या को, क्योंकि पीड़िता कोई भी आती है दुख और तकलीफ में तो उनकी समस्याओं को प्रेम पूर्वक सुना जाए और उनको आगे कार्रवाई की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं एनटीटीएफ के छात्रों ने आज संस्थान परिसर में एक शोक सभा आयोजित कर उत्तराखंड में राहत एवं बचाव कार्य के दौरान शहीद हुए वायु सेना के जवानों को नमन किया। एबीवीपी के सतनाम सिंह ने बताया कि राहत एवं बचाव कार्य के दौरान उत्तराखंड में मारे गए वायु सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज हम छात्रों से जो उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई, इसमें जो भारतीय सैनिक ने जो वहां पर अपना योगदान दिया, हम लोग भारतीय सेना को नमन का कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं, उन्हें जो अपने वहां बचाव कार्य में वहां के जो नागरिक को बचाव कार्य में जो शहीद हो गए नौजवान उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो अपने विद्यार्थी परिषद पूरे भारत विद्यार्थी परिषद में एक साथ पूरे भारतवर्ष में सैनिकों को नमन का कार्यक्रम करा रही है विद्यार्थी परिषद। मध्य विद्यालय कुलडीहा पोटका में 36 छात्र छात्राओं को अनुशंसा के बावजूद आज तक साइकिल प्रदान नहीं किया गया। इस सिलसिले में आज टीसी से मिलने आए प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि पूर्व प्रधानाध्यापक द्वारा 36 बच्चों को साइकिल देने की अनुशंसा की गई थी जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। 36 स्टूडेंट्स जिसमें 19 लड़का और 17 लड़की है ना, छात्र छात्राओं का 2012-13 के सत्र में ऑलरेडी सूची शामिल किया गया था साइकिल के लिए, जो बीपीएल परिवार के हैं और एसटी एससी ओबीसी में से हैं और जिनका स्कूल से दूरी 2 किलोमीटर से ऊपर वाले लोग हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स का सूची विद्यालय से, मध्य विद्यालय कुलडीहा से सूची बना के दिया गया था प्रखंड पुटका को। उसके बावजूद सारे स्कूल को साइकिल दिया गया लेकिन मध्य विद्यालय कुलडीहा को साइकिल उपलब्ध नहीं हुआ। इसके बारे में जब जानकारी मिला तो हमारे वार्ड पार्षद ये हैं अरुणा सड़ंगी जी, इनके माध्यम से जब मुझे पता चला तो आज ये सूची हम लोग जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ सौंप रहे हैं और इनके माध्यम से जांच करने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और जांच हो और क्यों नहीं इसको इन स्टूडेंट को मिला, इन गरीब स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मिला, इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी ने राज्य में सरकार बनाने के लिए हो रहे प्रयास की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। सपा नेता डीपी राजा ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि एक बार फिर कांग्रेस द्वारा झामुमो अन्य दलों एवं निर्दलियों को मिलाकर सरकार बनाने की कवायद की जा रही है। ऐसी सरकार लोकप्रिय सरकार ना होकर अपाहिजों की सरकार साबित होगी जिसमें जनता का कुछ भी भला नहीं होगा। कि यहाँ कांग्रेस और झामुमो मिलकर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर रहे हैं तो इसमें जो आंकड़ों का आंकड़ों की जो जरूरत है उसके हिसाब से इन दलों को लगभग 1 दर्जन बैसाखियों की जरूरत होगी, निर्दलियों की जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे लोकप्रिय सरकार लोकप्रिय ना होकर या अपाहिज सरकार साबित होने वाली है। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के समाधान की मांग को लेकर डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है।
समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने कहा कि डिग्निटी फाउंडेशन के आपसी विवाद के चलते वरिष्ठ नागरिकों का पहचान पत्र बनना बंद हो गया। यहां के सरकारी और गैर सरकारी बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सीट की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सभी मामलों को प्रशासन को गंभीरता से देखना चाहिए। सलाह देखा गया है कि वरिष्ठ नागरिक अपने जिंदगी की सारी कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने शादी विवाह करने में लगा देते हैं, मकान बना देते हैं, इस आशा से बनाते हैं कि बुढ़ापे में उनको सहारा मिलेगा, लेकिन आज परिणाम उल्टा हो रहा है। बच्चे अपने माँ बाप के घर से निकाल देते हैं और घर में ताला बंद कर दिए। ऐसा 3 केसेस हमने आज एसपी साहब को दिया है। और ये भी देखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाया है कि जो लड़के अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करेंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर वरिष्ठ नागरिक न्यायालय में जाते हैं अपने मांग के लिए तो इतना समय लग जा रहा है कि न्याय के लिए आसान है, बुजुर्ग मर जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। हम लोग प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसे बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रशासन आगे आए और नहीं तो बुजुर्गों को अपनी रक्षा के लिए अपने आप आ जाए। सिंहभूम चैम्बर के प्रतिनिधियों की एक बैठक आज चैम्बर भवन में चक्रधरपुर के DRM राजीव अग्रवाल के साथ हुई, जिसमें टाटानगर रेलवे संबंधित समस्या पर चर्चा की गई। बैठक में तमाम व्यवसायी और उद्यमी मौजूद थे। अनिल मोदी ने कहा कि टाटानगर स्टेशन से चक्रधरपुर मंडल में रेलवे को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में टाटानगर को यात्री सुविधा बहाल करने संबंधित तमाम मांगे DRM के समक्ष रखी जा रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आज रेलवे के DRM श्री राजीव अग्रवाल जी एरिया मैनेजर स्टेशन मैनेजर और अपने मातहतों के साथ चैम्बर में आए हैं और कोल्हान क्षेत्र के सभी प्रमुख व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। व्यापारियों की बहुत दिनों से बहुत मांगे थी, क्योंकि चक्रधरपुर रेल प्रमंडल का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला स्टेशन टाटानगर होता है, फिर भी यहाँ बहुत सुविधाओं की कमी है, तो उन सुविधाओं की मांगों को लेकर आज बैठक की गई है। सभी व्यापारी बंधु अपनी अपनी समस्याओं रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें रखे हैं और रखी हम लोगों ने DRM साहब के सामने, और DRM साहब ने सभी बातों को ध्यान से सुना है और आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर जनहित में जितनी समस्याएं हैं सबका निराकरण किया जाएगा और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले दिनों बर्मा माइंस ऑक्सन यार्ड गेट टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मी द्वारा चलाई गई गोली में घायल छायाकार मदन साहू एवं अन्य पीड़ितों को राज्य सहायता के रूप में जिला पुलिस द्वारा क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है, इस संबंध में एक्स ग्रेसिया रिलीफ रिपोर्ट 8 सप्ताह के भीतर देने को कहा है। इस सिलसिले में JHRC के मनोज मिश्रा आज SSP से मिलने आए थे। उन्होंने मानव अधिकार के इस कदम की तारीफ की है। NHRC ने एक नोटिस जारी किया है SSP के नाम पूर्वी सिंहभूम। उन्होंने जानना चाहा है कि जो 24/12/12 को इसको के ऑक्शन यार्ड गेट में जो साइकिल विवाद को लेकर के सुरक्षाकर्मी और मजदूरों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें टाटा स्टील के सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाया था और कई मजदूर उसमें घायल हो गए थे बुरी तरह से, जिसमें एक पत्रकार मदन साहू भी था, उस पूरे मामले में दोनों पक्ष से केस मुकदमा तो किया गया, लेकिन एक्स ग्रेसिया रिलीफ के बारे में राज्य शासन ने क्या किया यह जानना चाहा है 8 सप्ताह के अंदर में NHRC ने। और इस संदर्भ में JHRC को भी इन्वॉल्व किया गया है कि JHRC भी अपना पक्ष 8 सप्ताह के अंदर रखे। GRE टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रीमियर नर्सरी स्कूल खोला गया है, जिसका उद्घाटन सोमवार को हुआ। इस मौके पर मिसेस आनंद सेन, मिसेस पार्थो सेन सहित कई वरिष्ठ महिलाएं मौजूद थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि इस स्कूल में छोटे छोटे गरीब बच्चों को गुणवत्ता युक्त निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। डिजाइन थोड़ा कलरफुल बनाया तो बच्चों का पसंद होगा, और ये रूम बनाया इन्हें खाना कंपनी में, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग बहुत